अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक्सेल के अंदर डेट को जो है वो डेट और टैक्स को एक साथ कॉन्केटिनेट कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो उसको एक सेल के अंदर कॉन्केटिनेट करके लिखेंगे। क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि जो है डेट जो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है और सही तरीके से जो उसमें मैंशन नहीं होती, तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है और एक टेबल बना हुआ है जिसमें एम्प्लॉय के नेम है, डिपार्टमेंट है, उसकी ज्वाइनिंग डेट है और रेजिग्नेशन डेट है, ठीक है। और हम इसमें जो है वो टैक्स के साथ इसको कंपाइल करके लिखना चाहते हैं कि भाई इस बंदे ने जो है वो इस डिपार्टमेंट का अगर मैंशन करना चाहते कर दें और इस दिन पे जो है वो ज्वाइन किया है और इस दिन पर जो है रिजाइन किया है। इस टैक्स के साथ हम इसको कॉन्केटिनेट करना है तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल हम इक्वल्स टू क्रॉस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेम का कॉलम होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उस सेल को C8 जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी ये मेंशन हो रहा है कि C8 का। तो इसके बाद जो है हमें दूसरे सेल को इसके साथ कॉन्केटिनेट करना, हम सिंपल एंटर करेंगे और टेक्स्ट लिखने के लिए जो है हमेशा इन्वर्टेड कॉमास यूज़ होते हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करेंगे और इसमें जो है फिर हम पहले स्पेस देते हैं और फिर लिखते हैं जॉइन, जॉइन ऑन, ठीक है। और इसके बाद हम दोबारा एंटर करते हैं और जो डेट था ज्वाइनिंग का उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोबारा हम एंटर करेंगे और फिर हम टैक्स लिखते हैं और टैक्स में जो है पहले हम हमारे किस पे देते हैं और हम देते हैं कि लेफ्ट ऑन लेफ्ट लेफ्ट द कंपनी ऑन और फिर हम जो है यहाँ पे एंड सेलेक्ट करके और जो रिज़ाइन की उसकी डेट थी वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इंटर करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि जो उसकी डेट है वो वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। इसने इन दोनों को कॉन्केटिनेट तो कर दिया लेकिन इसकी फॉर्मेट को यहाँ पर इसने नहीं उठाया, ठीक है। तो अगर हमें इसको डेट को डेट नेम चाह रहे हैं कि डेट की फॉर्मेट में ही शो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेल पर आएंगे E8 पर और इसके बाद हम प्रेस करेंगे टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट के साथ ही हम इसको दे देंगे कि फॉर्मेट, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वैल्यू आ रही है फिर फॉर्मेट आ रही है, हम इसको जो फॉर्मेट दे देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, जैसे हम चाह रहे हैं कि पहले मंथ आए, ठीक है, फिर डेट आए और फिर ईयर मेंशन हो जाए, ठीक है। हम इसके इन्वर्टेड कॉमास ले क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं, क्या मिस्टेक ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो सामने कलम लगा दी ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे जो है वो मंथ हमारे पास पहले आ गया है, फिर डेट आई है, डे आया और फिर एयर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे और अगर आपको इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना हो, आप बोल रहे हैं कि मुझे पहले डेट चाहिए, ठीक है, तो आप पहले जो है वो डेट मेंशन कर दें, डे, उसके बाद फिर जो है वो मंथ और फिर एयर, ठीक है। और यही सेम जो है वो हम आगे भी अप्लाई कर देते हैं, हम कर लेते हैं कॉपी टेक्स्ट तक, ठीक है। और यहाँ पे हम एफ8 को हटा कर फिर का ये कर देते हैं और उसको हम कर देते हैं F8, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पहले डे आ गया, सही है, जैसे यहाँ पे 5 दिसंबर था तो यहाँ पे भी आ गया 5 दिसंबर 2003, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आ गया। अब जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें सबका जो है वो डेट, रेजिग्नेशन डेट और ज्वाइनिंग डेट उठा लिया। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी डेट को जो है वो टैक्स के साथ कंपाइल करना चाहें या उसको कॉन्केटिनेट करके लिखना चाहें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर इसमें डेट की फॉर्मेट भी सेम रहेगी, मतलब जिस तरह की फॉर्मेट आप चाहें वो फॉर्मेट आ जाएगी डेट की और टैक्स भी जो है वो आपका साथ उसके कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल माय गाइड को सब्सक्राइब कीजिए।